अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं 49 आवर। जैसा कि आपने हमारी लास्ट दो क्लासेस में देखा, मैंने सबसे पहले आपको एक चुनरी का मोटिव बनाना सिखाया था और उससे अगली क्लास में मैंने आपको चुनरी की रिपीट बनानी सिखाई थी। आज हम उनसे एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल लेंगे, एक फ्रंट का साइज ले लेंगे। कुछ मोटिव मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, मैं वो ओपन कर लूंगा। जब ये ओपन हो जाएंगे इन्हें मैं अपनी फाइल के अंदर ड्रैग करके अपनी फाइल के अंदर डाल दूंगा। एक न्यू लेयर लूंगा और उसको मैं बैकग्राउंड कलर कर दूंगा और इसे सबसे नीचे वाली लेयर पे ले जाऊंगा। मैंने जो चीजें ओपन की हैं मैं इनमें से एक बॉर्डर निकाल लूंगा। पहले आप जो चीज़ ओपन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए आपने उसे किस तरह यूज़ करना है। तो मुझे ये बॉर्डर के लिए अच्छा लगा तो मैंने इसलिए इसे ओपन किया और इसे मैं बॉर्डर में ही यूज़ करूँगा। इसकी रिपीट बना लेंगे हम। बॉर्डर रिपीट में यह है, इसको देखेंगे ये कहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये हमें यहाँ पे रिपीट इसकी मिल गई है। इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से ताकि हमारे पास एक रिपीट ही रह जाए। हमारे बॉर्डर यहाँ पर लग चुके हैं तो अभी मैं इसकी रिपीट बना लूंगा। ये रिपीट नहीं है, इसकी कटिंग करके इसे मैं डिफाइन कर लूंगा। इसकी मैं सिलेक्शन लेके इसको कॉपी कर लूंगा और न्यू फाइल बना के इसमें पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं डिफाइन कर दूंगा ताकि ये एक रिपीट बनकर और डिफाइन हो जाए। रिपीट में ही है और ये डिफाइन हो जाए। मैंने कुछ कलर स्वैच पहले से ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं, मैं इन्हें ओपन कर लूंगा। और इन्हें मैं अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लूंगा।
मुझे ये एक बॉर्डर बड़ा लग रहा था तो मैंने इसे थोड़ा छोटा कर लिया। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो जाके देख लें। हमने उसमें एक चुंडे का मोटिव बनाया था और उसमें एक नई रिपीट बनाई थी, तो वो वाली रिपीट मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा और इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज करूँगा। साइड से रिपीट थोड़ी सी रह गई थी, इसे भी मैं पूरा कर लूंगा ताकि बिल्कुल भी कटा हुआ ना लगे और अच्छा लगे। जो हमें यहाँ पर नीचे ग्राउंड के साथ रिपीट देंगे, हम इसे सेल्फ में लेके जाएंगे, इस पर डिफरेंट फिल्टर लगाएंगे, इसे ब्लेंड करके देखेंगे, जहाँ भी ये बिल्कुल सही लगेगा हम वहाँ पर इसको रखेंगे। अब ये ल्यूमिनोसिटी भी अभी अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर रखकर इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर दूंगा। इसको भी बिल्कुल सेंट्रलाइज कर लेंगे और साइड से हम पूरा कर लेंगे। और हमारी फ्रंट कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हम अब बैक बनाएंगे। बैक के लिए हम कैनवस खोल लेंगे, जितना हमारा फ्रंट है इसका हम कैनवस साइज ओपन करेंगे और इसको हम 200 कर देंगे परसेंटेज पे वर्टिकल। बैक के लिए मैं ये बड़े वाला बॉर्डर यूज करूंगा एक, और एक छोटे वाला।
और इनके सेंटर में मैं वो वाली रिपीट दे दूंगा जो मैंने लास्ट अभी डिफाइन की थी, ऑरेंज वाली। इसको भी बिल्कुल सेंट्रलाइज कर लेंगे। आपको याद रहे अगर आपने डिज़ाइन में कोई भी चीज़ यूज करनी है तो उसका सेंटर डिज़ाइन के बिल्कुल सेंटर में ही आना चाहिए, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो कोई मोटिफ है, या चाहे वो कोई रिपीट हो। हमने फ्रंट के ऊपर ब्लेंड इसलिए किया था पैटर्न को, क्योंकि हमने अक्सर ज़्यादातर जो भी डिज़ाइन देखते हैं फ्रंट के ऊपर थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी होती है, और बैक जो होती है वो काफ़ी डिज़ाइन से ही भरी हुई होती है, उस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, इसलिए हम इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, इसको हम इसके ओरिजिनल फॉर्म में ही रखेंगे जहाँ पर ये है। आप भी अपने डिज़ाइन को सेव करते रहा करें, अगर लाइट चली जाए या आपका फोटोशॉप क्रैश हो जाए तो आपका डिज़ाइन बचा रहे, क्योंकि हम जितना लेयर्स बढ़ाते जाएंगे हमारी फाइल साइज उतना ही बढ़ता जाएगा, इसलिए आप अपने डिज़ाइन को साथ साथ सेव कर रखा करें। इसी तरह हम स्लीव का साइज ले लेंगे, कैनवस साइज ओपन कर लेंगे और उस पर हम वर्किंग करेंगे। हम बॉर्डर वही वैसे ही सेम लगाएंगे, ध्यान रखेंगे कि जिस तरह पूरे डिज़ाइन का सेंटर होता है इसी तरह एक स्लीव का भी सेंटर होता है। हमने इस स्लीव बनाते हैं, हमने डिज़ाइन का सेंटर नहीं करना, हमने एक स्लीव का सेंटर करना होता है। स्लीव से भी वही रिपीट लगाएंगे, लेकिन इस बार हम इन्हें हॉरिजेंटल कर देंगे, मतलब हम इसे 90 पे रोटेट कर देंगे तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगी। जैसे हमने वर्टिकल लगाई हुई है बैक पर, इस तरह हम हॉरिजेंटल लगाएंगे स्लीव्स पर, ताकि ये बैक से थोड़ा डिफरेंट हो जाए। इसका हम कलर भी चेंज कर देंगे, हम इसके ऑरेंज हम ग्रीन कर देंगे, ताकि ये हमारे जो चुनरी वाले रिपीट के साथ मैच होने लगे।
आप याद रखेंगे जब भी आपने कोई चीज सीन्स में यूज करनी है, अगर आपने बैक में यूज की है, आपने बोल्ड रखी है, तो आप कोशिश कीजिए आप जब उसे दोबारा यूज करें तो उसके साइज में थोड़ा वेरिएशन ले आए, ताकि वो आपका सारे डिजाइन की लुक है जो वो एक जैसी फ्लैट ना लगे, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाए दूसरी जगह पर। स्लीव पे थोड़ा ग्रेडियंट देंगे कि हम देख के देखेंगे इसकी लुक कैसी आ रही है। आपने ग्रेडियंट देके छोड़ नहीं देना, आपने ग्रेडियंट के साथ ही नहीं खेलते रहना, आपने ग्रेडियंट देना है, फिर उसके नीचे वाली चीजों को भी आपने फिल्टर्स और इफेक्ट लगा के देखने, जहां पर वो आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, आपने वहां पर रख लेना। अभी मुझे यहाँ पर कुछ ठीक लग रहा है तो मैं इसे यहाँ पर रख लूंगा। अभी जो ये आप देखें, ये हमने लास्ट क्लास में हमने डिजाइन की रिपीट बनाई थी चुनरी की, अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। इसको हम डिफाइन कर लेंगे और हम इसको अपने स्लीव्स के अंदर हम यूज़ करेंगे। हमने इसलिए इसको थोड़ा चेंज किया है, इसको मॉडिफाई इसलिए किया है क्योंकि हमारे डिज़ाइन में थोड़ी वेरिएशन आ जाएगी, स्लीव्स थोड़े बैक और फ्रंट से थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। इसका भी साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, मुझे बड़ा लग रहा था तो मैंने इसका साइज छोटा कर दिया। और आपने याद रखना है कि बिल्कुल चीजें आपकी सेंटर लाइन
और आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने जो भी चीज़ यूज़ करनी है उसको सेंट्रलाइज ज़रूर करना है। स्लीव का सेंटर और होता है, पूरे डिज़ाइन का सेंटर और होता है, इसलिए आपने बिल्कुल हर एक एक चीज़ को सेंट्रलाइज करते ही रहना है साथ साथ। हम अपने स्लीव्स को उसी तरह दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप तक यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि आपकी तरह और भी लोगों का फ़ायदा हो सके।